पहला शुरुआत मेरा यहाँ पर चाय से हो रहा है और छोला चढ़ा हुआ है, तो मॉर्निंग का काम इतना निपट चुका है और अभी मुझे बनाना है छोला भटूरा। तो यहाँ छोला चढ़ा दिए हैं और अभी और काम के लिए प्याज व्याज कट करके मैंने टोटल दिया। तो अभी पहले हम चाय पी लेते हैं उसके बाद आप। तो यहाँ पर हम भटूरा के लिए आटा लगा रहे हैं। आटा लगा लेने से क्या होता है, बहुत जल्दी भी काम मेरा आसानी रहता है। तो आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ गई, मैं लापता हूँ, मैं कहीं लापता नहीं हुई, नहीं करूँ। तो 1 जनवरी आज है, तो रात का तो आपको वीडियो अभी शेयर कर ही देंगे और इसका वीडियो जाएगा, देखते हैं किस टाइम जाता है ये भी। तो आज का भी मॉर्निंग का नाश्ता छोला भटूरा है, साथ ही कुछ मीठा बनाएंगे, सवैया लाए हैं घर, तो मीठा का सवैया का कुछ बना लेंगे। और छोला भटूरा साथ कोई मीठा लेना नहीं पसंद करते हैं, फिर भी देखते हैं। मेरे लिए क्या नया साल क्या कुछ भी कुछ पता ही नहीं चलता हमारे लिए। चलिए छोटा भटूरा के लिए छानने के लिए दही लेते हैं। दही में एक जो मेथड है मेरा, हम उसमें बता चुके हैं मुगलिया पराठा में, लच्छा पराठा में बताए हैं, बस वही मेथड से मैं इसे छानती हूँ और उसी से एकदम बहुत अच्छा बनेगा। तो इसकी रेसिपी अभी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, इसकी रेसिपी बाद में ही कर लेंगे शेयर, क्योंकि आज जल्दी जल्दी है, लेट से उठे हैं, देर से सोए थे इसलिए लेट से उठे हैं, तो हर काम थोड़ा लेट ही हो रहा। कोई फर्क नहीं पड़ता 1 जनवरी हो या 2 तारीख हो या 10 तारीख हो, जैसा उठना है उस तरह से उठना ही पड़ेगा हमें ना। अब तेल देखिए अच्छे से भटूरा को लगा करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, 10 से क्या आधा से 1 घंटा तो काफी है, लेकिन आधा 1 घंटा का टाइम नहीं है। अंदर दिया हुआ जिस तरह खमीरी 10 से 15 मिनट में आराम से खमीरी उठ जाता है भटूरा में, तो इसलिए हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तेल देके अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, लास्ट में तेल पड़ता है ना इसलिए तो हाथ में सकता ही नहीं है। भटूरा भी सॉफ्ट एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। सारा उन्हें कट करके रख लेते हैं, कुकिंग करने में आराम होता है इसीलिए सारा करके हम रख लेते हैं, क्योंकि कोई हेल्पर है नहीं, बच्चे लोग तो करने से रहे। हमको तरकारी बनाना, चिकन बनाना है, चिकन के लिए प्याज चाहिए, पुलाव बनाना है तो उसके लिए प्याज चाहिए, तो इस तरह से कट किया कर रख लेने से ना बस सिर्फ बनाना ही रहता है। इधर मेरा भटूरा का आटा रेस्ट हो रहा है। यहाँ पर मेरा है मिक्स पिकल, जो मैंने जिसकी रेसिपी मैंने शेयर किया है इंडियन टेस्ट विथ यास्मीन में, तो वही है। अभी भटूरा के साथ इन लोग को अचार चाहिए तो गोभी निकालेंगे, गोभी तो लोग लेते नहीं है, गोभी लोग गाजर चाहिए, मूली चाहिए और हरी मिर्च, तो वो इन लोग को दे देते हैं साथ में भटूरा के साथ। ये मेरा हाथ बहुत अच्छी खुशबू इसका उठ रही है, आप इसी रेसिपी को एक बार जरूर आजमाइएगा आप लोग भी। छोला रेडी है और हम भटूरा बनाने जा रहे हैं, तो चलिए हम जल्दी भटूरा बना देते हैं। तेल ऑयल गर्म हो रहा है मेरा, तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ मेरा भटूरा बिला रहा है, दूसरा यहाँ भटूरा छना रहा है। मैं छोटे छोटे साइज का भटूरा बना रही हूँ, क्योंकि बड़ा कढ़ाई में बड़ा भटूरा बनता है जो मार्केट में देखते हैं, लेकिन भटूरा उसी तरह बनता तो बड़ा, बिलाता तो बड़ा है, लेकिन डालिए तो रबड़ के जैसा करता है ना ये, तो चला जाता है। तो चलिए भैया हम बच्चे लोग को ब्रेकफास्ट दे देते हैं। फिर नाश्ता के लिए भटूरा देने जा रहे हैं, फिर छना रहे हैं, बच्चे लोग नाश्ता कर रहे हैं। लेट हो जाता है ना तो बहुत ज्यादा लेट हो जाता है मेरा काम करने में, थोड़ा सा लेट अगर हम सुस्ती छा देते बस। आलस बहुत बड़ी चीज है कि आलस ना कीजिए ज्यादा बेहतर है, लेकिन मेरे तरह से तो आलस बिल्कुल नहीं कीजिए, और सोचते अभी करेंगे अच्छा करेंगे 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 इस चक्कर में लेट हो जाता है। चलिए ब्रेकफास्ट करा लेते हैं बच्चे लोग को। वॉशिंग मशीन का अभी ये खराब हो चुका है देखिए, तो इसे भी खोल के भी हमको ठीक करना है, इसे पूरा ये खोलेंगे, खोल के हम ठीक करेंगे। आज 1 जनवरी को ये भी काम मेरा एक आ गया है पेंडिंग में, क्योंकि कपड़ा ये पानी ड्रेन नहीं हो रहा तो ये काम मेरा बढ़ गया। तो ये वॉशिंग मशीन करीब मेरा 19 साल पुराना है, कहा जाए कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तो ये वॉशिंग मशीन उसी तरह हमारे, तो इसे भी हमको खोल के ठीक करना है, क्योंकि ये चीज देखिए फ्री हो चुका है, तो ये मुझे खोल के भी ठीक करेंगे। तो ये चला वॉशिंग मशीन, मेरा खुलने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, क्योंकि कपड़ा सब रखा हुआ है धोने के लिए, अरे ये नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत है, अभी तुरंत हम नया मशीन नहीं ले सकते हैं। तो इधर का खुल चुका है, इधर का भी खोल लेते हैं इसी तरह कार्यक्रम, देखिए खुल गया ना, वैसे भी खोल लेते हैं।
तो इसे खोल के आपको दिखाएंगे कि मैं इसे कैसे बनाई। तो ये देखिए बटन खुल चुका है और हम इसे खोलने जा रहे हैं। ये देखिए अंदर का हाल बुरा हो जाता है, आपको दिखा देते। एक मिनट, तो यहां पर जो है ना ये चीज फ्री हो गया है, ये फ्री हो गया है, तो इसे को भी ठीक करना है। ये देखिए वो नहीं फ्री हुआ, ये धागा यहां से खुल चुका है, धागा नीचे का खुल चुका है, तो हम ऊपर का खोले बेकार। ये इसका कोई दिक्कत नहीं था, ये ऊपर का ठीक है, तो मुझे नीचे वाला ठीक करना पड़ेगा। नीचे का ही एक धागा खुल चुका है, तो मैं इतना मेहनत करने के बाद मुझे पता चला कि ये नहीं है कोई दिक्कत, चलिए यहाँ पर का तो ठीक है ये सब चीज। अब मुझे खोलना है ये पीछे का पोर्शन, चलिए इसे भी खोल लेते हैं। ये खुल चुका और आपको दिखाते हैं कि कहां से क्या प्रॉब्लम हुआ था। तो देखिए यहाँ पर का ये प्रॉब्लम है, ये धागा यहाँ से छोड़ चुका था, ये धागा, तो इसी धागा को मुझे यहाँ पर लगाना है। थोड़ा सा उसका अभी आपको हम दिखाते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। तो देखिए ये है ना, अब ये ठीक हो गया, सॉरी अब ये टाइट हो रहा है, इसीलिए अभी हमको उसको दोबारा चेक करना पड़ेगा। पानी निकलना स्ट्रेन हो गया, पानी नहीं निकल रहा था तो पानी कपड़ा कैसे धोते, सारा कल जो कपड़ा ड्रेन के खंगारा तो सारा पानी इसी में पड़ा हुआ था। और अभी देखिए काम कर रहा है, ये टाइट हो गया, अगर ये टाइट नहीं रहता तो काम नहीं करता। चलिए इसे मेरा बन चुका है, अब मैं अपना काम करती हूँ। मेरा छोटा सा यूटिलिटी एरिया है जहाँ पर मुझे वॉशिंग मशीन या अन्य काम मेरा यहीं पर से होता है, और ये सामने का भी पड़ जाता है पोर्शन, तो बहुत ही ध्यान से रखना पड़ता है सामान, लेकिन क्या करें छोटा सा जगह है। हम सोचे थे वॉशिंग मशीन दूसरा नया लेंगे, लेकिन अभी चल रहा है काम तो इसलिए हमने नहीं खरीदा नया, तो इसी से जब काम चल रहा था क्यों ले भाई, हम ऐसा क्यों बर्बाद करें, अभी दूसरा काम के लिए बहुत पैसा की जरूरत पड़ जाता है। तो मेरा मशीन कम्प्लीट हो चुका है, आपको तो काम तो कर रहा है, लेकिन साथ ही इसका पानी जो गंदा हो गया था पानी इसको निकालना है, और ये ड्रेन हो जाएगा, सारा पानी ड्रेन नहीं हो रहा था इस वजह से। और इतना 19 बरस या 19-20 बरस हो चला इस वॉशिंग मशीन का, तो इतना लंबा साथ देने के बाद वॉशिंग मशीन का हाल तो ये होगा ही, लेकिन सोचा था नया कर देंगे, लेकिन जब भी हम बनवाने जाते हैं तो मिस्त्री बोलता है वॉशिंग मशीन आपका बहुत अच्छा कंडीशन में है, क्योंकि आप हमेशा अपने से रिपेयर कर लेती हैं, तो इसलिए मेरा रिपेयर करने से थोड़ा सा वॉशिंग मशीन साथ देते रहता है। तो देखिए मेरा काम हो चुका है थोड़ा सा के लिए, कोई मिस्त्री को बुलाना नहीं पड़ा किसी मैकेनिक को, सारा पानी ड्रेन हो गया। अब हम इसे पानी भर लेते हैं, यहाँ पर पानी ड्रेन करने जो हो रहा था पानी भर लेते हैं, और कपड़ा डाल के धो लेते हैं। क्योंकि अभी वॉशिंग मशीन में पैसा खर्चा करना आसान नहीं है, तुरंत तुरंत इतना नहीं हो सकता पैसा खर्चा करना। चलिए हम काम कर लेते हैं, तो ये काम करना स्टार्ट कर दिया, तो चलिए मेरी मेरा ये काम देखो। तो यहाँ पर मेरा है नाश्ता ब्रेकफास्ट, मैं अभी नाश्ता नहीं की, सब लोग बच्चे हस्बैंड सब लोग कर चुके हैं, क्योंकि मैं लेट लेती हूँ तो मैं लेट से कर दिया नाश्ता। तो यहाँ पर छोला भटूरा है और 2 रात का बचा हुआ ढुसका है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ढुसका, तो मैं इसे खाना पसंद करती हूँ। तो चलिए हम ब्रेकफास्ट करने के बाद आपसे वीडियो पे कंटिन्यू रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल आलिया ब्लॉगर में, और आज है 1 जनवरी और आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर। ऐसे एक्चुअली मॉर्निंग से ही मेरा ब्लॉग चल रहा है, जिस टाइम से मैं बच्चे को ब्रेकफास्ट बना रही थी, इधर मेरा दूध चढ़ा हुआ है और पुलाव चढ़ाया हुआ है बनाने के लिए। तो इसकी रेसिपी मैं कोई शेयर नहीं करी, पुलाव लगती सबको रेसिपी शेयर कर दूंगी फिर कभी बनाऊंगी तक, क्योंकि आज जुमा भी है, तो भी मैं नमाज वमाज पढ़ने के बाद दोबारा किचन में आई हूँ, तो यहाँ पर इतना काम मेरा चल रहा है। तो आप लोग अपना बताइएगा कि आप लोग 1 जनवरी किस तरह से इंजॉय किए या किस तरह से मनाया। मैं तो 1 जनवरी अपने घर में अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के साथ घर में एंजॉय करती हूँ, मैं कहीं नहीं जाती हूँ, क्योंकि पटना ऐसा टाउन में कहीं भी पार्क उसमें पूरा फुल रहता है और बहुत हुड़गम होता है,
तो वो हम लोग पसंद नहीं करते हैं। एक्चुअली अगर कभी भी घूमना फिरना तो हमेशा रहता है, लेकिन इंजॉय तो करते हैं, खाना पीना हमेशा ही होता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कल रात बच्चे लोग ने जो मैंने ब्लॉग किया है वो देखिएगा जरूर उस बच्चों का, तो बच्चों लोग ने अपना कहीं कुछ नहीं दिया, जो डोनेशन किए वो सब चीज शेयर किए हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगी। तो मैंने पूछा बच्चों लोगों को, क्या आप लोग फर्स्ट न्यू ईयर के लिए आप लोग इतना सेलिब्रेशन कर रहे हो? तो बच्चे ने कहा बिल्कुल नहीं, हम तो 2020 को सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो हमने पूछा क्यों भाई? तो बच्चे ने कहा कि ये ऐसा साल था जहां कोई पेरेंट्स नहीं बोला कि स्कूल जाओ, और ना ही स्कूल से नोटिस आया कि आपके बच्चे स्कूल नहीं आ रहे नहीं आ रहे। तो बच्चों लोगों ने इसी बात को एंजॉय किया है। कोई बात नहीं, चलिए हम अपने काम में लगे रहते हैं, और आपको फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर, और आप लोग का ये साल अच्छा जाए। जिस तरह कोरोना हम लोगों को 2020 में परेशान करके रखा, और ऊपर वाले से ही दुआ करते हैं कि इस साल आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरे, और आप लोग मेरे लिए भी कीजिएगा। चलिए फिर आप सुन देखते हैं। इधर मेरा मटन पुलाव पक रहा है, यानी हरे मटर के साथ पुलाव है, चिकन है, मीठा में सेवे की फिरनी बनाऊंगी, वो कहते हैं इसे शीर खुरमा बनाऊंगी, और काफी इतना काफी है। चलिए तक काम नहीं कर लेते। तो चलिए मीठा के लिए हम यहाँ बनाने जा रहे हैं शीर खुरमा। शीर खुरमा के लिए मेरा दूध उबल रहा है, इसमें मैं इलायची पाउडर डाल चुकी है, देखिए, और इसे अच्छे से उबालने आ लेते हैं। तो आज 1 जनवरी लेके कुछ मीठा बोले, ऐसे तो मीठा मैं अक्सर कुछ ना कुछ बनाती ही रहती हूँ। तो यहाँ पर शीर खुरमा थोड़ा सा सेवई ले लिया है, ये मेरे पास अच्छा सेवई था, और थोड़ा ड्राई फ्रूट है, बादाम है, काजू है, और किशमिश नहीं लिया, किशमिश बच्चे लोग निकाल के फेंक देते हो, तो यहाँ पर गड़ी ले लिया है, तो ये सभी को कट कर लिया है, और अभी हम इसके अंदर इसको डाल देंगे और अच्छे से उबाला, साथ ही इसमें मखाना भी डालेंगे थोड़ा सा फ्राई करके। तो थोड़ा सा सरिया डाल देते हैं, सरिया थोड़ा ही पड़ेगा। तो यहाँ देखिए सरिया डालने के बाद उबाल आ चुका है, साथ ही इसके अंदर मखाना भी हम ऐड कर देंगे। आप जितना चाहे, दूध मेरा ऑलरेडी सूखा हुआ था इसलिए ज्यादा हमको सुखाना नहीं पड़ा, और साथ इसके अंदर मलाई भी है, रबड़ी जैसा दूध था ये मेरा, देखिए आप देख नहीं सबको टेक्चर पता ही चल रहा है, देखिए है ना इसके अंदर मलाई सब, तो इसलिए मुझे ज्यादा सुखाना नहीं पड़ा। बस थोड़ा और पकाना है, चीनी डाल के उतार देना है, मेरा शीर खुरमा तैयार हो जाएगा। लेकिन हाँ, उतारने से पहले मैं थोड़ी सी घी ऐड करूंगी इसके अंदर, इसलिए आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम नहीं ले पाए तो मिस कर जाएंगे वो। तो चीनी डाल के थोड़ा देर और पकेगा, कम से कम 3 से 4 मिनट इसे और हमको पकाना है, पकाना है इसे। तो यहाँ मेरा पक गया है मटर पुलाव, और देखिए एकदम बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से मैंने बनाया है, और ये मेरा रेडी है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा प्याज का बिरयानी और डाल देंगे, और इसे अब ढक करके रख देंगे खाने के लिए निकालना है। तो जब हम खाएंगे तो निकालेंगे, अभी तो ये बहुत गर्म है, तुरंत जस्ट पका है, और इसे हम ढक्कन लगा के रख देते हैं। और इधर देखिए मैंने चिकन बना हुआ है, ग्रेवी वाला चिकन बनाया है, कढ़ाई चिकन बनाया है ग्रेवी वाला, और ये भी रेडी हो चुका है। बस अभी हाँ, मेरे हस्बैंड आ जाएंगे नमाज पढ़ के, उसके बाद खाना, लंच एक्चुअली थोड़ा लेट से ही करेंगे। और इधर तो आप देख ही रहे हैं कि शीर खुरमा मेरा बन रहा है, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा, तो सब साथ ही लंच में निकलेगा। तो अभी मेरा शाम का स्नैक्स बन रहा है, ये KFC स्टाइल का क्रिस्पी चिकन मैं बना रही हूँ, और 1 जनवरी लेके ये स्पेशल डिश एक बन रहा है, जिसकी रेसिपी इंडियन टेस्ट भी थी यास्मिन में जा रहा है, और ये बहुत ही मजे की बनती है। तो यहाँ पर बच्ची की फरमाइश लेकर के मैं ये शाम का स्नैक्स बना रही हूँ, KFC चिकन। तो इस तरह से हमारा 1 जनवरी बहुत अच्छा से गुजरा। और आपको कहीं से भी किसी भी रीजन से मेरा जरा सा ब्लॉग अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हाँ, एक बात बोलना था कि बहुत ऐसे हैं जो 95% लोग मेरा देखते हैं चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं है। प्लीज़ आप भी मुझे सब्सक्राइब कीजिए, अपने कॉमेंट्स दें, तो मुझे आपके कॉमेंट्स, आपके सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आपको फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर, और फिर अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। और इस रेसिपी को आप जरूर आजमाइएगा, बहुत मजे की रेसिपी इंडियन टेस्ट विथ यास्मिन में मिली।